अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यूसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की हैंड फ्री से मैक कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये मैंने लगाया हुआ है मैक, इससे इसी से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं कि कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है। लेकिन ये आम कैमरे के सामने माइक काम नहीं करता, वो मोबाइल का माइक काम करता है जो मोबाइल में होता है, लेकिन हैंड फ्री का माइक जो होता है वो आम कैमरे में नहीं चलता। तो उसके लिए आपने करना क्या होगा, वो तरीका आपको मैं मुकम्मल डिटेल के साथ तरीकाकार मुकम्मल बताऊंगा कि कौन सा ऐप्स करना चाहिए और किस तरह उसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद आपका ये मैक चलेगा जो आप ओपन लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो टॉपिक की तरफ, वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको दिखा दूं कि ये मैं एक बार खोल के आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैं टच भी करता हूं तो आवाज़ आपको आ रही होगी। तो दोस्तों ये इसके साथ ये हैंड फ्रीज वगैरह भी हैं और ये मैक है, इसके ऊपर मैंने ये एक प्लास्टिक की लुपी वगैरह लगाई हुई है जो कि फोम वगैरह की है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी कैमरे की तरफ और आपको दिखा देता हूँ कि वो ऐप्स कौन सा है जिस ऐप्स के ज़रिए आप अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो ऐप्स आपको दिखा देता हूँ। वेलकम दोस्तों, दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अभी आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि हमारे पास एक कैमरा है जिसका नाम है ओपन कैमरा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके बाद दोस्तों वीडियो का आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि इसकी सेटिंग जो अगर आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप अपना ओपन कैमरे से ओपन मैक हरगिज़ नहीं चला सकते हो। तो अगर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आया तो आपने इसको बैक कर देना है। इसको बैक करने के बाद आपके सामने आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अभी रात है इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद आपने यहाँ सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसकी सेटिंग में आपने चले जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो सेटिंग नज़र आएगा, वीडियो सेटिंग, आपने वीडियो सेटिंग पे क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको सारे को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि वीडियो रेजोल्यूशन। यहाँ पर इसकी आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, यहाँ से इसका वीडियो कोडेक सेट कर सकते हैं। ये बहुत से इसके ऑप्शन आ जाते हैं, जिस तरह वीडियो फ्रेम, मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ वीडियो, ओके, कितनी लंबी आप वीडियो बनाना चाहते हैं, कितनी बनाना चाहते हैं, 3 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, ये उसकी मैक्सिमम डायरेक्शन है। इसके बाद इसका ये साइज़ वगैरह वीडियो का भी लगा सकते हैं और दोस्तों नीचे आ जाते हैं। नीचे में ये तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली इस ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ लिख ऑडियो सोर्स लिखा होगा, ऑडियो सोर्स, तो आपने ऑडियो सोर्स को ओपन करना है और यहाँ पर आपका क्लिक हुआ होगा। मेरा तो मैंने यहाँ पर इसलिए किया हुआ है कि मेरा पहले ऑलरेडी हुआ है, तो आपका यहाँ पर होगा ऊपर वाले ऑप्शन पे, तो आपने नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ जहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल माइक, तो इसका मतलब है कि आपका एक्स्ट्रा माइक जो होगा वो आपकी वीडियो, इस कैमरे में अगर आप वीडियो जो भी बनाओगे तो आपका वो माइक काम करेगा, जिस तरह कि आप ओपन माइक चला लेते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इस वीडियो पे, तो यहाँ पे ऑप्शन है बैक कैमरे का, फ्रंट कैमरे का, सब ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी वीडियो जो है चल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप इसकी सेटिंग भी चेक कर सकते हैं और इसको चला भी सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से आप इसको जूम भी कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन दिया गया है इससे आप अपनी वीडियो को जूम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक जो आपको मैंने बता दिया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।